उपद्रवियों से निपटने के लिए चतरा पुलिस तैयार, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया मॉक ड्रिल। चतरा जिले में मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यू पुलिस लाइन परिसर में मॉक ड्रिल का अभ्यास पुलिसकर्मियों ने किया, जिसमें दंगाइयों से निपटने के लिए आंसू गैस लाठी चार्ज का अभ्यास किया गया। इस दौरान दंगाई बने पुलिसकर्मियों पर रस्सी से घेराबंदी तथा गैस के गोले भी दागे गए। पुलिसकर्मियों को दंगे के दौरान गंभीर बातों से अवगत कराया गया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने अभ्यास के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि राइट कंट्रोल के मद्देनज़र ये ड्रिल किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में पुलिस तैयार रहे। अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर बितर करने, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और दंगाइयों पर रबर के गोले, एंटी राइट गन, रबर बुलेट गन, टेयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड व अन्य शस्त्रों के संबंध में जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस मेजर विकास सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आगामी मुहर्रम त्यौहार को देखते हुए हम लोगों ने उपायुक्त महोदय एवं पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय के निर्देशानुसार आज पुलिस लाइन में मेजर सार्जेंट एवं अन्य पदाधिकारियों तथा पूरी टीम के साथ में हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। मॉक ड्रिल में आप जैसा देख सकते हैं कि वज्र वाहन है, एंटी राइट गियर है, टीयर गैस पार्टी है, वाटर कैनन और सारे जो मॉक ड्रिल के सामान होते हैं सारे साजो सामान से लैस होकर के हम लोगों ने भी मॉक ड्रिल का प्रयास किया है और यह काफ़ी अच्छा मॉक ड्रिल हुआ है। हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं पूरे चतरा शहर वासियों को कि जो भी अपराध और अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो अपने आप को अंकुश में रखें, नहीं तो फिर कानूनन कार्रवाई की जाएगी और सारे जो जनता है वो बेखौफ होकर के त्यौहार को मनाएं, क्योंकि चतरा पुलिस आपके साथ में है और लोगों का जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तैयारी है। पूरे बल और हमारे पदाधिकारी मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है जगह जगह पर। उम्मीद करेंगे कि त्यौहार को हम लोग शांतिपूर्वक मना पाएंगे।